अब मैं आपके मैसेज सुन के थोड़ा सा मुझे भी इमोशनल फील हुआ कि हाँ आप प्रॉमिस कर रहे थे। और मैं फिर इस चीज को बोल रहा हूँ बेटा, जब मैंने बैच स्टार्ट किया था या मैं कभी कोई बैच पढ़ाता हूँ तो मैं अपना सिर्फ ये टारगेट करता हूँ कि एनसीईआरटी की कोई लाइन मुझसे ना छूट जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए कि जिससे आपका एक नंबर भी कट जाए। क्योंकि हो सकता है आप अपनी फैमिली का सपना पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हो, आप में से बहुत सारे बच्चों का सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फर्स्ट ईयर ड्रॉप होगा या 12th के साथ पढ़ रहे होंगे, शायद लाइफ में दोबारा मौका ना मिले। या दूर गांव में बैठा वो कोई बच्चा जो मुझे देख रहा है, उसकी एक ऐसी उम्मीद है कि सर सारा कराएंगे, वो उम्मीद ना टूटे। तो इस उम्मीद के साथ, इस मतलब एक्सपेक्टेशन के साथ आप जुड़ते हैं हमसे, हम भी कोशिश करते हैं अपना पूरा बेस्ट देने का। और ये एक तरीके से आपका मान के चलिए लास्ट चैप्टर है, एक चैप्टर कराना है। तो मैंने कोशिश करी थी कि सारी एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको कराई जाए, कोई भी टॉपिक को ऐसा ना कराया जाए कि आपको उसमें कुछ कमी रह जाए। तो मैं ये मानता हूँ कि शायद मैं अपना काम ठीक कर पाया, पर मैं स्टिल आपको ये बोलूंगा कि बेटा अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमारा, आपका और हमारा काम अभी पेंडिंग है। आखिरी कहते हैं जिसे, द लास्ट लैप, आखिरी लैप की लड़ाई बाकी है और उसके लिए आपने पूरा एफर्ट लगाना है, ठीक है? तो होता है ये, हम लोग समझते हैं इस बात को कि कहते हैं कि जो आपने 12 साल पढ़ाई की थी फर्स्ट क्लास से 12वीं तक का, उस सब की समरी अब ये आखिरी 2 महीने पे आ गई है, इसको ऐसे समझो। या आपने जो भी 3, 4, 5 साल, 6 साल से, जब से आपने थोड़ा सा दिमाग आया होगा, दिमाग तो बचपन से आ जाता है, लेकिन जब से आपके पास दिमाग आया होगा, आप चीजें समझने लगे होंगे, आपको उस सब चीजों की जो समरी है ये आखिरी 2 महीने में आ गई है। तो यहाँ पे जो आपका अब एफर्ट बढ़ेगा वो आपको उस लाइन के पार ले जाएगा। पर मैं आपको फिर ये बात बोल देता हूँ बेटा कि मेरा टारगेट आपको सिलेक्शन कराना था बिल्कुल, पर मेरा टारगेट ये भी था कि आप में से बहुत सारे बच्चे एक अच्छी बायो बन सीख कर निकलें, एक अच्छे इंसान बन के निकलें जो अपना काम आगे मेहनत से करें, ठीक है? मेरी बात हमेशा याद रखना, हमें नहीं पता क्या होता है लाइफ में, वो हमारे चीज में कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन अगर यहां से आप अपनी लाइफ में 6-7 साल अच्छे से मेहनत से पढ़ गए तो डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल जगह पे पहुंच पाएंगे। सिर्फ इतनी मतलब बात के साथ चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और हमेशा हमेशा आपके लिए विश करेंगे कि आप बहुत अच्छे मतलब मार्क्स लाएं, एफर्ट करें और हमेशा मतलब बढ़िया करें अपनी लाइफ में, ठीक है? क्लियर है? बस ये करना है कि कभी आपको सर दिख जाएं तो उन्हें बताना जरूर कि सर हम आपसे पढ़े थे, हमने आपसे कुछ सीखा था, बस ऐसा। और बहुत कुछ हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, ठीक है? मतलब मैं इन चीजों का स्ट्रिक्ट मतलब वो हूं कि लेजेंड, गॉड, ये सब बेटा मैं पसंद नहीं करता। फैन, कूलर, पंखा, इन चीजों में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मैं एसी यूज करता हूँ, ठीक है? तो इस बात के लिए मैं क्लियर हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हम एक मतलब आपको एक चैप्टर पढ़ाते हैं, एक टॉपिक सिखाने की कोशिश करते हैं जो इसकी हमारी समझ बेहतर है आपसे, आपको सिर्फ एक समझ देते हैं, ठीक है? क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं।